हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणा द स्कूल ऑफ आर्ट। शेप रिलेटेड वीडियोस हम लोग सीखते हैं, राइट। तो इस वीक हम लोग कुछ हटके कर रहे हैं, हम लोग इरेजर से ड्राइंग कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज भी हम लोग पेंसिल से पहले पेज को ऐसे शेड कर लेंगे, ठीक है। पूरा पेज में पेंसिल को मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा शार्प करके रखा है, ठीक है। तो पूरा पेज में ऐसे होएगा पहले, और उसके बाद हम लोग इरेजर से करेंगे। ऐसे करके आपको क्या करना है, यस, पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि मतलब ऑड इवन ना लगे, सब जगह पे इक्वली शेडिंग हो। डार्क लाइट ना हो तभी अच्छा है। जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, टेक्सचर पूरा अच्छे से आ गया है। हर एक जगह पे मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है पेंसिल को, और एक बॉर्डर भी रखने का कोशिश किया है। बॉर्डर अगर यूनिफॉर्मली रखते हो आप लोग तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। और अभी यस, इरेजर का बारी आ गया है। अभी इरेजर से हम लोगों को ड्राइंग करना है। तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा हम लोग का जो आज का वीडियो था, यस, इरेजर से हम लोगों ने जो ड्राइंग किए हैं
शेडिंग पेज के ऊपर राइट। पहले हम लोगों ने पेज को क्या किया, शेड कर लिए पूरा अच्छे से, उसके बाद एक बेस बना लिया इनफैक्ट, और उसके बाद हम लोग इरेजर से जस्ट इरेज करते गए विद द शेप्स राइट, और हम लोग का ये फ्लावर्स बन के तैयार हो गया है। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो नया नया चीज़ हम लोग सीखते रहेंगे हम लोगों के क्लास में। तो इस वीक के स्टार्टिंग में हम लोगों ने ऐसे ही कुछ बनाए थे, तो ये वाला वीक हम लोग यही चीज़ करेंगे। आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए, अपने ड्राइंग को और सुधारते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यस कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।